आइए सबसे पहले सिंगापुर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। सिंगापुर की आबादी सिर्फ 58 लाख है। यहाँ पर सबसे ज्यादा तकरीबन 74% चाइनीज समुदाय के लोग रहते हैं। मोनाको, वेटिकन सिटी और सिंगापुर दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जो देश भी हैं और शहर भी। आंकड़ों के मुताबिक सिंगापुर एशिया का सबसे कम करप्ट देश है और दुनिया का 5वां सबसे कम करप्ट देश। अब मैं आपको बताऊं नाइट लाइफ कल्चर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर की नाइट लाइफ के क्या कहने, लाखों टिमटिमाती डिजाइनर लाइट से लैस यहाँ की रातें रोशनी से नहाई हुई सी लगती हैं। आर्चर रोड, सिंगापुर रिवर, सीबीडी और मरीना बे में बोट का रोमांचकारी सफर करते हुए ऊंची ऊंची इमारतों और पेड़ों पर लिपटी लाइटें रात के समय बहुत ही दिलचस्प दिखाई देती हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर आते हैं तो यकीन मानिए आपकी ट्रिप और भी ज्यादा यादगार बन जाएगी। जुरोंग बर्ड पार्क, जहाँ आपको करीब 400 तरह के 5000 बर्ड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप हिस्सा ले सकते हैं बर्ड फीडिंग प्रोग्राम में, जिसमें आप अपने हाथों से यहाँ मौजूद पंछियों को फीड करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मौजूद है मैनमेड एक बड़ा सा वाटरफॉल जो वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ के मेन अट्रैक्शंस में यहाँ पर होने वाला बर्ड शो, तो आप यहाँ आकर इनका हिस्सा बन सकते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट और तकरीबन 100 सालों से भी ज्यादा पुराना और खूबसूरत बोटेनिकल गार्डन, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सिंगापुर को इस गार्डन के रूप में प्रकृति का कोई वरदान सा मिल गया हो। आज ये डेस्टिनेशन लोगों के बीच आधुनिक जीवन के तनाव को दूर करने के लिए एक शांत डेस्टिनेशन के रूप में फेमस है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में शामिल है बोनसाई गार्डन, नेशनल आर्किड गार्डन, सिंजो गार्डन और हीलिंग गार्डन। सेंटोसा आइलैंड, सिंगापुर के फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक। यहाँ तक आने के लिए आप बस, टैक्सी या फिर मोनोरेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखने लायक है यूनिवर्सल स्टूडियोज, अंडरवाटर वर्ल्ड एक्वेरियम, टाइगर स्काई टावर और इसके अलावा आप यहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन एडवेंचर राइड्स एंजॉय कर सकते हैं। सी एक्वेरियम, जहाँ पर करीब 4.5 करोड़ लीटर के पानी में आपको 800 जातियों के करीब 1 लाख समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। इस एक्वेरियम में 10 जोन्स हैं, जिसमें अलग अलग तरह की छोटी और बड़ी मछलियाँ और कुछ समुद्री जीव भी देखने को मिल जाएंगे। इस पूरे एक्वेरियम को देखने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। सिंगापुर जू, जो कि एक बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट जू है, जहां आपको करीब 300 जातियों के 2500 से भी ज्यादा प्राणी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो पूरी दुनिया में बहुत ही कम जगह देखने को मिलते हैं। इस पूरे जू में पैदल घूमना आपको बुरी तरह से थका सकता है, इसलिए यहाँ पर ट्राम सर्विस भी दी गई है, जिससे आप अपना पैदल चलने का समय बचा सकते हैं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर होने वाले एनिमल शोज, तो आप यहाँ पर आकर इनका भी लुत्फ उठा सकते हैं। चाइना टाउन, माफ करिएगा, मैं कोई फिल्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये सिंगापुर की एक मशहूर जगह है, जहाँ आपको चीनी कल्चर के अलग अलग रंग देखने को मिल जाते हैं, जो आपके सिंगापुर ट्रिप को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। गार्डन्स बाय द बे, अगर आप नेचर लवर हैं तो ये गार्डन घूमने के लिहाज से आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आप यहाँ पर खूबसूरत वाटरफॉल देख सकते हैं, तो वहीं करीब 101 हेक्टेयर एरिया में फैले इस गार्डन में सिंगापुर के नेशनल फ्लावर के साथ साथ यहाँ पर पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। लिटिल इंडिया सिंगापुर, सिंगापुर में मौजूद लिटिल इंडिया नाम की इस जगह में भारतीय मूल के तकरीबन सभी लोग वाकिफ हैं। यकीन मानिए यहाँ आकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आप इंडिया के ही किसी बाजार में मौजूद हैं। और वहीं यहाँ लिटिल इंडिया में भारतीय शैली के खान पान की चीजों की कोई कमी नहीं है। लिटिल इंडिया नाम का मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ मौजूद है, जो बाकी जगहों को लिटिल इंडिया से जोड़ता है।
तो आप भी अगर सिंगापुर ट्रिप के बारे में पहले कुछ जरूरी सवाल जो टूरिस्ट के जहन में उठते हैं। पहला सवाल है, सिंगापुर विजिट करने के लिए सबसे परफेक्ट समय कौन सा रहेगा? सिंगापुर का मौसम पूरे साल थोड़ा गर्म और नम रहता है, तो अगर आप सिंगापुर में आउटडोर एक्टिविटीज के साथ ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो फरवरी से अप्रैल और जुलाई से अक्टूबर, इन्हीं महीनों के बीच ट्रिप प्लान करें। सिंगापुर घूमने पर कितना खर्च आता है? अगर सिंगापुर में घूमने पर आने वाले एक एवरेज खर्च की बात करें तो नॉर्मल एकोमोडेशन और फूड के साथ यहाँ तकरीबन 4500 से 5000 पर नाइट तक का खर्च आ जाता है और फ्लाइट भी 12000 रुपए से शुरू होती है। अगर आपने बुकिंग्स पहले से करवा ली हैं तो ये फ्लाइट्स आपको और सस्ती पड़ जाएंगी। तो अगर आपको हमारी ये सिंगापुर की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो